ये नहीं अगर लेंगे ये 22,000 रुपए की 25,000 रुपए की पड़ेगी। चाबी वगैरह देंगे? जी जी चाबी सब है। सब ओके ओके करके देंगे आप? जी सही है जबरदस्त। ये डिवाइडर है, ये 6x6 का है, तीन डोर का 6x6। ये भी 12,000 रुपए का है। अगर ये नए में लेंगे तो ये 30,000 रुपए का पड़ेगा आपको। 30,000 रुपए जी, मतलब आधी कीमत में। जी आधी कीमत में, लेकिन देखने में कोई पहचान नहीं सकता है। जी और ये वाली, ये सिंगल है, ये 3x6 की है। 3x6 की, ये इसकी चादर थोड़ी भारी है, उसकी थोड़ी नॉर्मल है, हल्की है, इसकी भारी है। सही। ये आपको ये 3 डोर शोकेस कहलाता है, इसके अंदर अलमारी भी है और बर्तन भी रखते हैं। कितनी होती है? 16 इंच? इसकी 16-18 मुख्तलिफ होती है। इसका 100 किलो वेट है। 100 किलो? जी 100 kg। ये सिल्वर कलर में अलमारियों को कहते क्या? सर क्या नाम है? अल्लाह करम, मेरा नाम अहमद रजा। अहमद रजा साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह करम। अहमद साहब सबसे पहले जा रहे हैं वो, इस मार्केट का एड्रेस बता दें। ये यूपी मोड़ है, नागन से आप आएंगे ना, उतरेंगे ठीक है, तो ये यूपी मोड़ आएंगे, तो इससे अंदर आ जाएं तो ये यूपी मोड़ के ऊपर, यूपी मोड़ से थोड़ा लेफ्ट राइट रहेंगे ना, लेफ्ट की तरफ तो ये यूपी आता है, पेट्रोल पंप के सामने ये इतवार बाजार लगता है, संडे बाजार। तो क्या चीज़ें होती हैं आपके पास यहाँ पे? लोहे की अलमारी, बेड, सोफे, ड्रेसिंग। सही है, मार्केट में सारी चीज़ें मिल, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ फर्नीचर का सामान होता है या और भी सामान? और भी होते हैं, बाइक का पार्ट्स होते हैं, दुनिया का हर सामान मिलता है यहाँ पे। ट्रेन वगैरह मिल जाती है? नहीं ट्रेन नहीं मिलती, जहाज वगैरह मिल जाता है। जहाज का सामान भी मिल जाता है। जहाज का सामान भी मिल जाएगा जी? अच्छा जबरदस्त। तो आप क्या बेच रहे हैं यहाँ? ये हमारी अलमारी है, अलमारी का काम है, बेड का काम है, सोफा काम करते हैं, नया काम भी करते हैं। अभी आपके पास पुराना है या नया? अभी हमारे पास पुराना है, दिखने में तो नया लग रहा है। इसको रिफिनिश करा हुआ है। रिफिनिश किया? चले स्टार्ट करते हैं फिर। सर यहाँ से सबसे पहले इसकी प्राइस बताएं मुझे। ये आपको पड़ेगी 12,000 रुपए की। ये 12,000 रुपए की? क्या साइज है? ये 4x6। 4x6? 4x6 जी। ठीक है, 4x6 का साइज आ गया इसका। आगे चलते हैं। ये डिवाइडर है, ये 6x6 का है, तीन डोर का 6x6। ये भी 12,000 रुपए का है। अगर ये नए में लेंगे तो ये 30,000 रुपए का पड़ेगा आपको। 30,000 रुपए जी, मतलब आधी कीमत में? जी आधी कीमत में, लेकिन देखने में कोई पहचान नहीं सकता। जी ये शोरूम के ऊपर जाता है, लोग इसको नया बोल के बेचते हैं, लालू गेट 10 नंबर गरीबाबाद उधर नया बोल के बेचते हैं। और ये कितने का देंगे? ये आपको दे देंगे 11,000 रुपए का। ये 3 डोर शोकेस कहलाता है, इसके अंदर अलमारी भी है और बर्तन भी रखते हैं। कितनी होती है? 16 इंच? इसकी 16-18 मुख्तलिफ होती है। ये आपको दे देंगे, ये भी 12,000 रुपए की दे देंगे। ये सेम कलर है, उससे भी न्यू कंडीशन लग रही है। जी जी। और ये वाली? ये सिंगल है, ये 3x6 की है। 3x6? ये इसकी चादर थोड़ी भारी है, उसकी थोड़ी नॉर्मल है, हल्की है, इसकी भारी है। सही। ये आपको दे देंगे 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए की। और ये वाली? ये 22,000 रुपए की है, ये भारी है। ये भारी है 22,000? जी। इसका 100 किलो वेट है। 100 किलो? जी 100 kg। तो आजकल लोहा कितने किलो चल रहा है? नया लोहा 320 रुपए चल रहा है और पुराना स्क्रैप 130 रुपए किलो जा रहा है। हम लोग उठाते हैं 135-140 ऐसे उठाते हैं। सही। ये मेटल में बनी हुई होती है? लोहे में? जी जी स्टील में तो बहुत महंगी होती है। कलर ऐसा लगता है कि स्टील का? जी जी। अब आगे चलिए, कुछ रेड कलर में रखी हुई है, ये ब्लू कलर की प्राइस बताओ। ये ब्लू कलर के प्राइस होंगे ये 12,000 रुपए की। ये 12,000 रुपए की मिल जाएगी? वैसे नहीं, कितने की होती है ये? नहीं अगर लेंगे ये 22,000 रुपए की, 25,000 रुपए की पड़ेगी। चाबी वगैरह देंगे? जी जी चाबी सब है। सब ओके ओके करके देंगे आप? जी सही है जबरदस्त। और अलमारियाँ काफ़ी देखी हैं, लेकिन इतनी साफ़ सुथरी किसी के पास मैंने नहीं देखी है। काफ़ी साफ़ सुथरी अलमारियाँ आपके पास। तो ये कितने की देंगे सर? ये आपको दे देंगे 11,000 रुपये। ये 11,000 रुपये की आपको यहाँ से मिल जाएगी अलमारी। और ये अलमारी डिवाइडर सेट है, अगर इसके पास बेड लगाएंगे और ये सेट बन जाएगा पूरा। कितने का सेट है ये? सेट आपको दे देंगे 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये? ये हल्का है, अगर भारी होगा इसके अंदर वो 18,000-20,000 रुपये। कितने पीस होंगे? ये अलमारी डिवाइडर है, अब आपको बेड यहाँ से मिल जाएगा, बेड इसके साथ का मैचिंग का मिल जाएगा। और ड्रेसिंग भी अगर लेना है? यही कलर होगा? जी जी उसी के हिसाब से करते हैं, उसी के हिसाब से। जी फर्नीचर के हिसाब से। अच्छा, तो 18,000 रुपये में 3 पीस मिल जाएगा? टू पीस की अलमारी, 2 पीस का डिवाइडर। अच्छा, ये 18,000 की दो? जी। अगर 3 पीस लेते हैं तो? वो 3 अगर 3 डोर का लेंगे वो आपको मिलेगा 25,000-26,000 रुपए का, दोनों चीज़ें अलमारी डिवाइडर दोनों। अगर कोई सिंगल लेते हैं? सिंगल नहीं होता ना, अगर ये सिंगल है मतलब ये अगर भी सिर्फ अलमारी ले, अलमारी ले तो ये हम आपको दे देंगे 10,000 रुपये। ये वाली? ये आपको दे देंगे 8,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं।
कहते क्या है वैसे? इसको आयरन की अलमारी कहते हैं। आयरन अलमारी। ये सिंगल पड़ेगी 14,000। 14,000 की मिलेगी। 14,000। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगर कोई फ़ोन नंबर है अपना तो आपको दे दें। 0310 फ़ोन नंबर है तो आप 0310216587। अच्छा, इधर अहमद रजा नाम है। इधर का एड्रेस भी दोबारा बता। ये यूपी मोड़ से आप आएंगे आगे, यूपी आएगा, इसके अंदर ही बाजार लगा होता है पेट्रोल पंप के सामने। सही है, ये सो पेट्रोल पंप है, इसके सामने ये सर्द खाना है, पीछे सर्द खाने के बैक साइड पे ये उधर भी बाजार लगा हुआ होता है। अच्छा, मैंने आपकी पहले वीडियो बनाई थी, कैसा रिस्पॉन्स मिला? माशाल्लाह अच्छा मिला। लोग आए? जी जी। तंग तो नहीं किया लोगों ने? नहीं नहीं। अच्छा चलो सही है। असल में वो वीडियो बना देते हैं लोग जो ना, अब ये अलमारी है, कोई शर्म के मारे बोलता है कि 8,000 रुपये की, हमने तो वीडियो पे 8,000 रुपये की देखी थी। तो ये बात गलत है, किसी को नहीं बनाना तो बंदा साफ मना करे कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मिसगाइड करते हैं, गलत बयान नहीं करते हैं ना, वो इस तरह नहीं करना चाहिए। दूर दूर से आते हैं, गारो सक्खर बहुत दूर दूर से आते हैं। जी जी। तो अभी जो रेट आपने बताए ये रेट बिल्कुल बढ़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो ना हो गया यार। हाँ, अगर स्क्रैप यानी महंगा हुआ और तो फिर जाहिर सी बात है मजीद बढ़ेंगे पैसे बढ़ेंगे। अब आप पेट्रोल देख लें क्या लीटर हो गया है, पेट्रोल डलता है, मिट्टी का तेल, हर कलर महंगे हो गए। जो 1600 रुपए की बाल्टी थी वो 2200-2600 रुपए की हो गई। इस वजह से हर चीज़ का मटेरियल है ना, कारीगर की मजदूरी 430-450 हो गई हर चीज़ के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई पुराना बेचना चाहता है जी, वो भी ले लेते हैं, एक्सचेंज करना चाहता है, उसका क्या तरीका होता है? अब जैसे ये 14,000 रुपए की अलमारी है, अब इसके ऊपर 6,000 रुपए खर्चा आता है, हम इसके आधे पैसे उसको दे देंगे, आधे पैसे। अच्छा, आधे पैसे के हिसाब से आप ले लेते हैं। और अगर कोई अपना बेचना चाहता है तो वो यहाँ पे लेकर आ जाए या आप उसके घर? नहीं, हम वीडियो बना के ले आए, हम देख के वैसे बता देते हैं, हमारा तो काम है, हमें पता होता है इतना वजन होता है, इतना वजन नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये पुरानी अलमारी भारी है जो आपको दिखाई है 22,000 रुपये की, अगर ये ऐसी अलमारी होगी ये हम जो 10,000-12,000 रुपये की पुरानी स्क्रैप के दाम में ले लेते हैं। और बिल्टी का क्या प्रोसीजर, बिल्टी वगैरह करा देते हैं कराची से बाहर? जी वो खराब बोर्ड से हो जाती है। जी जी, हो जाती है, यहाँ से ट्रक लेके जाते हैं लोग सीन के, फिर वहाँ पे जाके बेचते हैं। चलो बहुत शुक्रिया भाई, बात करके अच्छा लगा। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।